टाइम मशीन से निकला डायनासोर नीरव एक बहुत ही बुद्धिमान लड़का था, मगर वो अपना दिमाग हमेशा गलत जगह पे लगाता था। उसे लोगों को तंग करने में बहुत मजा आता था। वो आए दिन कुछ ना कुछ आविष्कार करता और उससे लोगों को तंग करता। उसने कुछ दिन पहले ही तंत्र विद्या भी हासिल कर लिया था। लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। उसका छोटा भाई उसे हमेशा समझाता, भैया आप लोगों को इस तरह परेशान करना बंद कर दीजिए, ऐसा करके आप अपना और हमारे महान बुद्धिशाली पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं। मगर नीरव उसके भाई की बातों को हमेशा की तरह अनसुना कर देता है और अपने कमरे में घुसकर अंदर से बंद कर लेता है। कई दिनों तक नीरव अपने कमरे से बाहर नहीं आता और उसका भाई हर रोज उसका खाना कमरे के बाहर रख देता है। और करीब महीने भर बाद नीरज को एक अजीब सी आवाज आती है। वो भागता हुआ बाहर जाता है। अरे ये कैसी आवाज आ रही है, सुनकर तो किसी खूंखार जानवर की आवाज लगती है, मगर यहाँ इस शहर में जंगली जानवर तो है ही नहीं। अरे ये क्या, ये आवाज तो हमारे ही घर के पीछे से आ रही है, मतलब जरूर भैया ने ही इस बार फिर से कुछ किया होगा। नीरज भागता हुआ के अंदर जाता है और अपने भाई के कमरे का दरवाजा खटखटाता है और काफी देर तक खटाने के बाद नीरव बाहर आता है। और नीरज तुरंत उसके भाई के कमरे के अंदर जाता है और वहाँ उसने जो देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। भैया ये क्या है, ये तो एक डायनासोर है, मगर ये सब तो कई वर्षों पहले ही मर चुके थे। सही कहा, मैंने एक टाइम ट्रेवल मशीन बनाया जिसके बदौलत मैं इस डायनासोर को उस दुनिया से इस दुनिया में ले आया हूँ। धीरे धीरे वो डायनासोर बड़ा होता गया और चंद दिनों में ही वो डायनासोर बहुत ही बड़ा हो गया था। इतना बड़ा कि वो का छत तक तोड़ चुका था और अब वो ये मांस मछली से तंग आ गया था। अब उसने इंसान ये चालू कर दिए थे। एक दिन नीरव उसे काबू करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसने गुस्से में नीरव की बात नहीं सुनी और उसने नीरव को ही खा लिया। और वो इतना ज्यादा खूंखार हो गया था कि वो अब घर तोड़कर बाहर सड़कों पर निकल गया। सारे लोग उसे देखकर डर गए, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उनका वहम है या सच। मैं कैसे बचाऊं इन लोगों को इस डायनासोर से, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कुछ लोग नीरज के बाहर आकर चिल्लाने लगे, ये सब तुम लोगों के वजह से ही हुआ है, हम कैसे बचेंगे उस डायनासोर से, उसने तो हमारा घर तोड़ दिया है। अब भाइयों मैं तो कहता हूँ कि इसके भाई को हम यहाँ अपने शहर से ही बाहर निकाल कर फेंक देते हैं, इसके वजह से ही हमारा सब बर्बाद हो रहा है। सब लोग मिलके नीरज को शहर से बाहर निकाल देते हैं। नीरज दुखी मन से जंगल की ओर जाता रहता है। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इन लोगों को बचाना ही होगा, ये सब मेरे भाई के वजह से हुआ है और अब मैं ही इसको ठीक करूंगा। नीरज चलता हुआ एक झील के पास पहुंचता है और वहां अचानक से पानी के अंदर से एक जलपरी बाहर निकल के सामने आ जाती है। मुझे पता है कि तुम बहुत चिंतित हो, तुम मुझे देखकर चौंको मत, मैं एक जलपरी हूँ, मैं यहाँ लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हूँ। तुम बस एक काम करो कि तुम्हारे भाई का वो टाइम मशीन मेरे पास लेकर आओ, बाकी का काम मैं खुद कर लूंगी। नीरज किसी भी तरह से अपने शहर में वापस जाता है और अपने घर से अपने भाई का टाइम मशीन लेकर बाहर आता है और उस जलपरी के पास ले जाता है। जलपरी ना जाने उसमें क्या जादुई मंत्र फूंकती है और फिर नीरज से कहती है, अब इस टाइम मशीन ने उल्टा घूमना शुरू कर दिया है, तुम चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। जलपरी 1 से 10 तक गिनने लगी और फिर नीरज से कहा कि अब वो जाकर उस शहर को देख कर आए कि वहाँ की बर्बादी ठीक हुई या नहीं। नीरज भागते हुए अपने शहर की तरफ जाता है, देखता है कि सब कुछ वापस पहले जैसा हो चुका था, मगर अब शहर के लोग भागते हुए जंगल की तरफ आने लगे थे और पीछे से वो डायनासोर उन्हें खाने के लिए भागता है।
सब भागते हुए वहाँ उस जलपरी तक पहुँचते हैं। सब पीछे नदी के उस पार जाओ, मैं उसे देख लूंगी। और फिर जलपरी ने एक मंत्र उसके आते साथ उस डायनासोर में फूंक दिया और डायनासोर नीचे गिर पड़ा। और उसके बाद डायनासोर की नजर उन सब इंसानों से हटके जलपरी पे आ गई और डायनासोर पानी के अंदर घुसकर जलपरी से लड़ने लगा। और कुछ ही देर बाद वो टाइम मशीन दोबारा गोल गोल घूमने लगा और उसी के साथ धीरे धीरे डायनासोर उस टाइम मशीन के अंदर समाता गया और उसी के साथ वो टाइम मशीन कर बिखर गया। और सारे लोगों ने जलपरी का शुक्रिया अदा किया और नीरव ने सबसे माफी मांगी। लालची चाय वाला। पुर शहर के स्टेशन के बाहर एक चाय वाला चाय की टपरी पर चाय बेचा करता था। उसके यहाँ की चाय पूरे शहर में बहुत प्रसिद्ध था। कुछ लोग तो ऐसे थे जो कि उसके यहाँ की चाय पिए बिना अपने काम तक पे नहीं जाते थे। अरे रामू, जल्दी से एक अच्छी सी चाय पिला दे भाई, ताकि ये बॉस का कचर कचर जो मेरे कान में अब तक गूंज रहा है वो तेरे चाय के स्वाद से कहीं दूर भाग जाए। अरे क्यों नहीं भैया, आप तो बस आराम से बैठिए, अभी आपके लिए स्पेशल टेंशन फ्री वाली चाय बना के ले आता हूँ। रामू के चाय को पीने के बाद सारे लोग खुशी खुशी अपने काम पे जाते। कुछ दिन बाद एक आदमी ने रामू को एक सलाह दी। अरे रामू काका, अब आप इस टपरी को छोड़िए और एक अच्छी सी छोटी सी चाय की दुकान डाल दीजिए, जिससे नए लोग भी आपके दुकान को देखकर आकर्षित हो जाएंगे और आपके दुकान पे आएंगे। और आप कहो तो मैं अपने दोस्त से कह के उसके सुपरमार्केट से आपको सब कम दाम में दिलवा सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले ही दिन रामू अपने उस कस्टमर के साथ उस सुपरमार्केट में जाता है और वहाँ से नए नए कुर्सियाँ और बाकी के जरूरी सामान लेके आता है और उसे वो सब काफी कम दामों में मिल गया। और फिर उसका वो कस्टमर वहाँ से चला जाता है। फिर वहीं रामू को एक बड़ी अच्छी खुशबू आती है। अरे वाह, ये चाय की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, एक बार पी के देखना चाहिए। वाह, नाम भी कितना अच्छा रख रखा है, मशहूर चाय। फिर रामू उस मशहूर चाय के दुकान के अंदर जाता है। वहाँ बहुत से लोग थे। उसने देखा कि वहाँ कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनके पास बैठने की जगह नहीं थी, मगर फिर भी वो वहीं खड़े खड़े चाय पी रहे थे। फिर उसने एक चाय ऑर्डर किया। उसने जैसे ही उस चाय को पिया, उसे वो चाय बहुत फीकी सी लगी, मगर उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। इसी के साथ रामू के मन में अब ज्यादा पैसे कमाने का लालच आ गया। अब मैं भी चाय में दूध कम मिलाऊंगा और चाय को खुशबूदार बनाऊंगा, फिर मैं भी अमीर हो जाऊंगा। अगले ही दिन से रामू ने अपना नया दुकान डाल दिया। उसने अपने नए दुकान का नाम फेमस चाय वाला रख दिया। अरे रामू, क्या बात, नई दुकान डाल दी तूने तो। हाँ भैया, सोचा अब थोड़े पैसे हो गए थे तो जरा दुकान भी ठीक ठाक कर लूं। उस आदमी ने चाय पिया, मगर उसे वो चाय बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या बात है रामू, आज चाय बनाने का मन नहीं था क्या? चाय कुछ अजीब सी बनी है, इसमें तुम्हारे हाथ का स्वाद तो पता ही नहीं चल रहा है रामू। चाय तो मैं ऐसी बनाता हूँ, हो सकता है आपके मुँह में छाले पड़ गए हूँ। वो आदमी रामू की ऐसी बात सुनकर कुछ उखड़ सा गया, फिर उसने रामू को पैसे दे दिए। और पैसे दीजिए, मैंने चाय का दाम बढ़ा दिया है, अब मेरी चाय इतनी सस्ती नहीं मिलती, थोड़े और जेब ढीली करनी पड़ेगी मेरे फेमस चाय के दुकान पे चाय पीने के लिए। ये क्या तरीका है रामू किसी से बात करने का? ठीक है, तुमने दाम बढ़ाए हैं, मुझे पता नहीं था, तुम मुझे बोल सकते थे अच्छे से, ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हें पैसा नहीं देता। अब रामू का व्यवहार कुछ अजीब सा होते जा रहा था और साथ ही दिन ब दिन उसके चाय और फीकी होते जा रही थी और धीरे धीरे लोगों ने उसके पास जाना बंद कर दिया। रामू का घमंड इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपने सारे पुराने कस्टमर्स खोते जा रहा था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ एक दूसरे इंसान ने चाय की टपरी खोल ली और अगले ही दिन से उस चाय के टपरी पे काफी भीड़ होने लगी थी। कैसे अजीब लोग हैं, कुछ पैसे बचाने के चक्कर में लोग इस फेमस दुकान को छोड़ उस कल के आए हुए इंसान से चाय पी रहे हैं। कोई बात नहीं, मत आओ, मेरा कौन सा एक दिन ना कमाने से कुछ बिगड़ जाएगा,
चलो आज मैं एक कप अपने फेमस दुकान की चाय पी के देखता हूँ। फिर उसने एक कप चाय ली और चाय की एक चुस्की ली, और जैसे ही उसने वो चाय पिया उसने साथे साथ उसे थूक दिया। छी छी, ये कैसी घटिया चाय है। सही कहते हैं लोग, लालच के चक्कर में इंसान सब कुछ गवा देता है। अब तो शायद ही मेरे दुकान में कोई आए, मगर फिर भी मुझे एक बार माफी मांगनी चाहिए उन सबसे जिनसे मैंने बदतमीजी की थी। फिर रामू उस दूसरे चाय के टपरी पर जाता है और वहाँ उन सबसे माफी मांगता है जिनसे उसने बदतमीजी से बात की थी। और अगले ही दिन से उसने चाय के दाम फिर से पहले जैसे कर दिए और साथ ही दूध में मिलावट करना भी बंद कर दिया। और उसी के साथ सारे लोग वापस उसकी दुकान पर आने लगे। शीर्षक, हमें हमेशा अपने उसूलों के साथ ही चलना चाहिए। जहां लालच उसूलों पे भारी पड़ जाता है वहां खुद की बर्बादी तो